नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। वैसे तो अक्सर ये देखा जाता है कि जिले का आम आदमी हो या फिर व्यापारी वर्ग, पुलिसिया कार शैली से लोग खुश न होकर बल्कि उनकी खामियां निकालते रहते हैं, मगर आज बाराबंकी में नजारा कुछ अलग ही था। यहां के लिए पुलिस अधीक्षक के आने के बाद बदली पुलिसिया कार शैली से लोग इतना संतुष्ट हुए कि जिस पुलिस विभाग के बारे में वह बुरा भला कहते थे, उन्हीं का आज सम्मान समारोह आयोजित कर उनके सम्मान में कसीदे पढ़े। जनपद बाराबंकी में लगातार जो पुलिस प्रशासन कार्य कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं व्यापारी बंधुओं का धन्यवाद देता हूँ। आज उन्होंने यहाँ बाराबंकी में और जो जितने भी व्यापारी बंधु हैं उन सभी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सभी पुलिसकर्मियों को उन्होंने सम्मानित किया, उनके कार्य को रिकॉग्नाइज किया। और जो भी शहर के लिए व्यवस्था की जा रही है, जैसे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, अपराध में कमी लाना हो और यहाँ पे जो मेला है उसको सकुशल संपन्न कराना हो, इन सभी में पुलिस प्रशासन दिन रात लगा रहा और इस काम को, जो पुलिस प्रशासन का काम है, उसको व्यापारी मंडल ने रिकॉग्नाइज किया। उसके लिए उन्होंने सम्मानित किया यहाँ पे बुला करके सभी पुलिस कर्मियों को। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूँ। और भविष्य में ये उन्होंने हमारे कंधों पे दायित्व तो और बढ़ा दिया है कि हम आगे बढ़ करके उनके लिए, पूरे व्यापारियों के लिए, यहाँ की आम जनता के लिए लगातार काम करें, दिन रात मिल के काम करें। और मैं उम्मीद करता हूँ अपने पूरे प्रशासन से, पुलिस के साथियों से, कि जो भी व्यापारियों बंधुओं की अपेक्षाएं हैं भविष्य में, हम उन पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे, दिन रात और बढ़कर मेहनत करेंगे उनके सम्मान के लिए, उनके सहयोग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रैफिक एक बड़ा चैलेंज है, ट्रैफिक को लेकर के आप काम लगातार कर रहे हैं, एक सिंडिकेट, एक बड़ा सिंडिकेट इसमें इन्वॉल्व रहता है, कैसा चैलेंज रहेगा, कैसे उनको मैनेज करेंगे, कैसे? जी हाँ, ये सही बात है कि कोई भी जो व्यवस्था होती है उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हो जाते हैं और धीरे धीरे उसमें वो क्रश करने लगते हैं, सिस्टम को क्रश करने लगते हैं, उसी को तोड़ने के लिए व्यवस्था है। क्योंकि ट्रैफिक स्मूथ करना है तो कहीं ना कहीं पेन लेना पड़ेगा और उस बात के लिए हम लोग तैयार हैं। चूँकि हम जनता जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, व्यापारी बंधु जिसके लिए ये व्यवस्था की जा रही है, वो इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि उन्हें इस बात का बेनिफिट मिल रहा है, ट्रैफिक स्मूथ हो रहा है, ट्रैफिक बढ़िया से चल रहा है, जल्दी लोग अपने घरों पे पहुंच रहे हैं, अपने ऑफिसों में पहुंच रहे हैं, अपने दफ्तर में पहुंच रहे हैं और इमरजेंसी सर्विसेज जो हमारी एम्बुलेंस है वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच रही है। तो इस बात को रिकॉग्नाइज किया व्यापारी बंधुओं ने, इसका मतलब कि पुलिस सही से काम कर रही है। तो हम ये पेन लेने को तैयार हैं, इस ट्रैफिक को स्मूथ किया जाएगा किसी भी तरीके से किया जाएगा। सर, पूरे प्लान में अमाउंटर में तो काफ़ी सफल हो गए, जाम था खत्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं शहर के अंदर पुलिस, हाँ ये अभी हम लोगों ने इसमें आगे कई प्लान इसमें रखे हैं, धीरे धीरे एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि एक एक चरण इसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। आने वाले चरण में हम लोग जो चौराहा है, जो मेन बाजार है, जो और भी ऐसे स्थान हैं उनको भी चिन्हित किया जाएगा, वहाँ भी आपसी सहयोग से वार्ता करके सभी को विश्वास में लेकर के उनके सहयोग से ट्रैफिक व्यवस्था स्मूथ की जाएगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज। नमस्कार।